जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज हम फिर दोबारा से आपके सामने रूबरू हैं एक नई वीडियो के साथ और वो वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और वीडियो को पूरा अंत तक देखना। जब एनओसी इशू होती है तो अगर वो गलत इशू हो गई तो उसको कैंसिलेशन कैसे कराया जाता है, प्लस कैंसिलेशन में क्या डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट छूट गए, वो मुझे कैसे पता चला कि लोगों के फीडबैक से, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक कॉल मेरे पे आई थी जिससे मुझे पता चला कि मुझे कैंसिलेशन पे दोबारा वीडियो बनानी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी कम से कम हो, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जब अगर एनओसी आपने इशू करा ली बाय मिस्टेकली, वो गलत इशू हो गया, गलत स्टेट के लिए इशू हो गया, जो भी रीजन रहा हो, अब उसे आप कैंसिलेशन करा रहे हो तो कैंसिलेशन प्लस रोलबैक दोनों एक ही वर्ड है। कुछ लोग रोलबैक बोलते हैं आरटीओ की लैंग्वेज में, कुछ लोग कैंसिलेशन बोलते हैं। इसके अंदर ना एक आरसी जो इम्पोर्टेंट है वो हम भूल जाते हैं कि इसको सबमिट कहाँ करनी है। जिस स्टेट से आपको एनओसी लेनी है, सपोज करो दिल्ली से आपको एनओसी लेनी है और लेनी है यूपी के लिए, और आपने एनओसी ले ली, अब लेने के बाद में क्या हुआ, एनओसी होगी गलत तो आपने कैंसिलेशन कराई, जब कैंसिलेशन की प्रक्रिया हुई उसके बाद दोबारा आपने एनओसी ली तो इस प्रक्रिया में आरसी जमा नहीं होगी दिल्ली में। मैं यही बात आपको बताना चाहता कि कैंसलेशन की प्रक्रिया के अंदर, रोलबैक की प्रक्रिया के अंदर ओरिजिनल आरसी सिर्फ उसी स्टेट में जमा होती है जिस स्टेट के लिए एनओसी निकली है। जिस स्टेट के लिए आपकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है व्हीकल, उस स्टेट में आरसी जमा नहीं होती है, और आरसी जमा वही होगी जहां पे एनओसी जमा होगी। अगर आपने आरसी खो दी तो ध्यान रखना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओ, क्योंकि डुप्लीकेट आरसी फिर आपकी निकलेगी नहीं। निकलेगी कैसे, पहले एनओसी कैंसिल कराओगे फिर उसके बाद जाके वो निकलेगी, या फिर वहां पे एक अर्जी लगाओगे, एफआईआर लगाओगे, उनसे रिक्वेस्ट करोगे सर आरसी नहीं है तो आप प्लीज ये डुप्लीकेट के लिए एफआईआर कर लो। तो ऐसी प्रॉब्लम में फंसना क्यों, आप अपने डॉक्यूमेंट वन बाय वन कंप्लीट रखो ताकि जिससे आपको दिक्कत ना हो, कि जिसके अंदर आरसी इस अथॉरिटी के अंदर जमा नहीं होती है, आरसी एनओसी के साथ ओरिजिनल जमा होती है जिस स्टेट के लिए आपने एनओसी ली है। इस बात को ध्यान रखना और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर इससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है, मुझे पता है कई स्टेटों से मुझे प्यार बहुत मिल रहा है, मुझे कमेंट भी आते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन उस स्टेट में प्रैक्टिकली क्या है उसके बारे में मुझे नहीं पता होता है। जितना होता है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर साझा करता हूँ इन्फॉर्मेशन जिसके तहत आप अपना काम करा सकते हैं। और दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और वीडियो को लाइक तो बनता ही है। जय हिंद जय भारत।